और सीधे आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर का। दक्षिण भारत से आ रही है, आपको बता दें बेंगलुरु में किस तरीके से एक इमारत ढही थी, उस पूरे मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है उसे गिरफ्तार किया गया है, तो बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कई लोगों की मौत हो गई थी, निर्माणाधीन इमारत ये थी बेंगलुरु शहर में। फिलहाल लोग वाटर लॉगिंग की समस्या से परेशान थे और अब ये ताज़ा अपडेट सामने आया है कि जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है उसे गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर जो है वो गिरफ्तार हुआ है और आगे की जानकारी क्या है? Well, this is a very important piece of information that's coming in. While questions are being raised about the construction, how it was permitted to construct beyond the limit that actually is allowed in the area, right now the police willing into action, FIR has been registered. Right now the son of the main owner, who in whose name the building has been registered, has been taken into custody. He's been arrested is what the police tell us. The contractor also who went ahead and constructed over four floors here, he's also been taken into custody. Meanwhile, they have also registered an FIR here under various sections of the new act. And more importantly, we should note that for the police at this point in time, the priority would continue to remain to ensure that all the accused in the matter, and they have named three of them and along with their others as well, to be brought to book at the earliest. बिल्कुल दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दिए बुनियादी ढांचे ये जो किस तरीके से बेंगलुरु में चरमराई है उसकी तस्वीर सामने आई है। बहरहाल जो बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर था उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि FIR भी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दर्ज की गई और इसके साथ तीन जो और लोग हैं उनका नाम भी FIR में है। तो बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर, हालांकि निर्माणाधीन इमारत थी, वो ढही है। इसमें कई लोगों की जान चली गई, कई फिलहाल अभी भी ट्रैप बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, चाहे वो NDRF की टीम हो, SDRF हो, लोकल पुलिस हो, सभी टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और लगातार बचाव का जो कार्य है वो चल रहा है। इससे पहले आपको बता दें जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी DK शिवकुमार, उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया था और साफ तौर पर किस तरीके से बेंगलुरु शहर के लोगों को जो प्रशासन द्वारा ये प्रशासन की लापरवाही है उसका खामियाजा बेंगलुरु शहर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पहले हम लोग लंच किए थे, एक बजा था, लंच करके हम लोग 2 बजा काम पे लगे थे। उसके बाद 2 बजा 3 बजा तब बारिश हुआ, बारिश 3:30 बजे तक हुआ, 4:10 में पूरा बिल्डिंग नीचे गिर गया। उसके बाद हम लोग तीसरा पे फ्लोर पे काम कर रहे थे, मैं आदमी, 2 आदमी छुट्टी था साइड पे, हम सोते थे। एक मेरा नया लड़का आया था गांव से, वो पार्किंग में घूम रहा था, वो भी चले गया, मर गया। उसके बाद मेरा मिस्त्री जो है वो बाथरूम लगा रहा था, वो भी मर गया। बस हम हॉल में थे, तो पूरा नीचे गिरते गिरते मैं अपने से भाग था। ऑनर बिल्डिंग का पैसा बना नहीं बनाया, तब ने गिर गया, मजबूती रहता था गिरता है। तो जो आई विटनेस थे उनको आप सुन रहे थे। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी के साथ आपको बता दें इस पूरे मामले में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।